A few moments later. नमस्कार साथियों, माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और हम बताना चाहते हैं जो बिहार, और हम मगध बिहार से बिलोंग करते हैं, और बताना चाहते हैं कि जो मई में है 25 मई से ये रोहन, जिसमें धान की खेती है, धान की बुआई प्रारंभ हो जाती है। तो अभी आज 31 मई हो गया, और अभी देखिए इसको पटावन होके इसमें इसका जुताई होगा, 3 से 4 बार जुताई होगा, जिससे इसका जो मिट्टी होगा वो हल्का होगा। और पटावन होने जुताई होने के बाद इसमें जस्ट पानी डाल के इसमें चौकी दे दिया जाएगा, और चौकी देने के बाद और इसमें धान की बुआई, और धान को मतलब 2 से 3 दिन मतलब घर में पानी में डाल के उसे फुलाया जाता है, उसे अंकुराया जाता है, उसके बाद इसे बुआई किया जाता है। तो बिहार में अभी फिलहाल जो धान की खेती है, धान की बुआई है, वो प्रारंभ हो गया है। तो देखिए हम बताते हैं किस प्रकार से धान की बुआई होती है, हम पूरा आपको बताएंगे। और जो बिहार है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ के 80% लोग कृषि पर आधारित हैं, इसलिए बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा गया है। और देखिए अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ के, और इससे पानी देखिए वहाँ पे मोटर लगा है, और जब इसका कम से कम 4 से 5 दिन हो जाएगा ये सूख जाएगा, फिर से जुताई होगा, उसके बाद इसमें पानी डाल के इसमें मोरी को धान को बुआई किया जाएगा। तो हम पूरा दिखाएंगे आपको, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पूरा दिखाते हैं कि धान की बुआई किस प्रकार से होती है, जो हम धान जो हम चावल खाते हैं वो किस प्रकार से उपजता है, उसको स्टार्टिंग पीरियड किस प्रकार से होता है, तो हम पूरा बताना चाहते हैं। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अभी बच्चा लोग यहाँ पर जब जुताई होता देखिए खेल रहा है ये लोग, और यहाँ पे तो जुताई के लिए यहाँ पे ड्राइवर चेंज हो चुका है। देख सकते हैं किस प्रकार से जुताई हो रहा है, खेत कोई पावर टिलर है, और देखिए मिट्टी को हल्का किया जा रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से जोत के मिट्टी का हल्का किया जाएगा, और उसके बाद इसमें पानी डाल के चौकी दे के इसमें धान को बुआई किया जाएगा। चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से धान की बुआई किया गया है, दिखाते हैं। लेकिन चलते हैं यहाँ पे, देखिए खेत में किस प्रकार से जो धान की बुआई किया गया है, हम आपको अभी बताते हैं। कुछ ही दूर में अभी मतलब बुनाया है, अभी बताते हैं चल के। जो धान की खेती है वो भारत में मतलब सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ के लोग 80% लोग कृषि पर आधारित है। तो हम अभी दिखाते हैं, ये पहुँचने वाले हैं कि धान की बुआई अभी हुआ है, जस्ट हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, तो हम आपको बताते हैं। लाइव तस्वीरें देखिएगा, हम अभी बता रहे हैं। वीडियो धान की बुआई हुआ है, जस्ट हुआ है, इसमें देखिए इसमें पानी डाल के इसमें चौकी देकर इसमें बुआई हो गया धान के। जो धान होता है जो हम लोग खाते हैं चावल के रूप में, किस प्रकार से मतलब शुरू स्टार्टिंग पीरियड में इसे बुना जाता है, तो देखिए अभी जस्ट इसका बुआई हो चुका है, और अभी हमको आपको तस्वीर दिखाते हैं पूरा का पूरा। देखिए स्क्रीन पर रहिएगा, देखिए दिखा रहे हैं हम आपको पूरा। तो धान की बुआई अभी हम लोग तरफ हो चुका है, और अभी जो ये धान का बुआई हुआ है, क्योंकि ये जो होता है लेट वैरायटी का धान होता है, तो आगे कर दिया जाता है। इसका बुआई 25 मई से शुरू कर देना होता है। तो देखिए इस प्रकार से अभी देखो, और हम दिखाएं ये धान का छोटा, ये देखिए बुआई हुआ धान के, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से बुआई हुआ है, ये खेत बुआई हो चुका है धान की। तो फ्रेंड
वो धान की बुआई से हम आपको रुपाई अन जो है के फार्मर किस प्रकार से अपने खेतों में मेहनत करता है हम पूरा आपको दिखाएंगे, और जो धान हम खाते हैं चावल वो किस प्रकार से होता है आपको हम पूरा बताएंगे अभी बुआई को वीडियो। तो फ्रेंड बस इतना ही, तो आपको हम बुआई जुताई से लेकर जो शुरू पीरियड में किस प्रकार से धान को बुआई किया जाता है, किस प्रकार से उसे मतलब उसको पानी में डाल के उसे मतलब अकुराया जाता है, मतलब उसे मतलब फुजाया जाता है और फिर उसे बुना जाता है, हम पूरा प्रक्रिया आपको दिखा चुके हैं। तो हमारे वीडियो को आप प्यार लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा, और इसी प्रकार से हम मतलब नया नया चीज़ों को आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बाकी जय हिंद दोस्तों, जय मगध, जय बिहार।